वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8 दिन हो गए हैं। रूसी की बमबारी में 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी हैं, जिसमें फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन इसी बीच भारत पाक की सीमा पर हलचल तेज हो गई है और 240 फाइटर जेट सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई तो यूक्रेन और रूस की हो रही है, तो भारत की सीमा पर अचानक ये 240 फाइटर कैसे पहुंच गए और सीमा पर इतनी हलचल कैसे हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय वायुसेना 7 मार्च को जैसलमेर के पोकरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। अभ्यास में कुल 240 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुने गए लक्ष्यों को फाइटर जेट 500 से लेकर 1000 किलो तक के बम गिराकर टारगेट करेंगे। फाइटर जेट राफेल सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरते दिखाई देगा और एयर टू एयर मिसाइल से फायरिंग करेगा। वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा है कि वायु शक्ति एक्सरसाइज सिर्फ एयर फोर्स की ताकत का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि ये हमारे लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग के भी डोज है। इस अभ्यास के दौरान वास्तविक जैसे हालात तैयार करके ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। वायु शक्ति अभ्यास में लड़ाकू विमान जैगुआर, सुखोई 30, मिग 29, तेजस समेत कुल 240 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। वायुसेना के इस अभ्यास में पहली बार अत्याधुनिक विमान राफेल भी शामिल होगा। अभ्यास के दौरान जगुआर फाइट जैसे रेकी करने का प्रदर्शन करने के साथ ही 1000 पाउंड का बम भी टारगेट पर यहां पर गिराया जाएगा। फाइटर जेट राफेल सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरते दिखाई देगा और एयर टू एयर मिसाइल फायर करेगा। सुखोई 30 फाइटर जेट कॉम्पैक्ट एयर पेट्रोलिंग करते दिखाई देंगे, जिसके बाद ये 1000 पाउंड और 100 किलो का बम टारगेट पर बरसाएंगे। मिग 29 फाइटर जेट तक टारगेट में 500 किलो का बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद करेगा। लड़ाकू विमानों से गिराए जाने वाले बमों को निशाना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनेंगे। मतलब साफ है, भारतीयों का जिस दिन 7 मार्च को ये सब देखेंगे, उस टाइम दुश्मन देश भी इस सब देख के यहाँ पर हिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सीमा पाक सीमा पर भारतीय जवाब यहाँ पर जवान जो है हमारे यहाँ पर कर्तव्य दिखाएंगे, इसके बाद तो लाजमी है कि पाक में बैठे पाक परस्ती और पाक के प्रधानमंत्री के भी यहाँ पर हिलने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मिग 29 और यहाँ पर हमारे राफेल बॉर्डर पर गरजेंगे, तो जरूर यहाँ पर पड़ोसियों देश में हलचल जरूर मचेगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।